हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। आज सीबीएसई क्लास 10 का साइंस का पेपर है और आई होप आप सभी लोग अपने पेपर में बहुत अच्छा किए होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जबकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी का पेपर चल रहा है। आने के बाद दोस्तों इसका हम सोल्यूशन करेंगे, जो आपका क्वेश्चन आएगा। बट अब हमें आने वाले पेपर की तैयारी करनी है, जिसका नाम है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान SST। तो दोस्तों आज 10 तारीख है, अगला पेपर आपका 14 मई को है। तो हमें इन चार दिन में क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, जहां से हमें 100% नंबर प्राप्त हो जाए। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इन चार दिनों में मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में 40 out of 40 नंबर गारंटी से आएंगे। लिख कर रख लीजिए। तो दोस्तों हम जिस तरह से तैयारी करने वाले हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को डे बाय डे हम लेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया हमारे चैनल पर, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से भी देख सकते हैं। बट अभी जो हमारे पास 3 दिन बचे उसमें हम रिवीजन करेंगे, उन टॉपिक पर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कि आपका सिलेबस है SST का, सोशल साइंस का। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद, दोस्तों तो भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है उसे आज हम करने वाले हैं। यानी रात में 10 बजे से पहले पहले आपको वीडियो मिल जाएगी भारत में राष्ट्रवाद। आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव भी क्लास कर सकता हूं मैं इसकी। तो भारत में राष्ट्रवाद से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इतिहास के बारे में आज। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, कल जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे भूगोल में खनिज ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण उद्योग। यहाँ खनिज ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण उद्योग के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे कल, यानी 11 मई को। जी हाँ, 11 मई को, ठीक है, करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम 12 मई को करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये हम 12 मई के करेंगे। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बने हुए हैं, वो सारा क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का, दोनों चैप्टर को 12 तारीख को ही देखेंगे। ठीक है, 12 तारीख को ही दी दोनों चैप्टर को भी हम देखेंगे, राजनीतिक दलों और लोकतंत्र के परिणाम भी हम 12 तारीख को देखेंगे। ठीक है, 12 मई को ही। इसके अलावा दोस्तों मुद्रा और साख वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हम 12 मई को ही करने वाले हैं। ठीक है, 13 मई को हम क्या करेंगे दोस्तों, 13 मई को हम करने वाले सैंपल पेपर, 13 मई को हम करेंगे सैंपल पेपर। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल पेपर और भी जो सैंपल पेपर अवेलेबल है, उन सभी का सॉल्व करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीजों को हम करने वाले हैं। और 14 तारीख को आपका पेपर, यानी 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक दोस्तों आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा विद रिवीजन। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके और हर बच्चा इस वीडियो का फायदा उठा सके, क्योंकि हिंदी माध्यम में कंटेंट उपलब्ध नहीं है दोस्तों। और द पॉलिटिकल मास्टर चैनल आप सभी को हिंदी माध्यम में कंटेंट जो उपलब्ध करवा रहा है, इसको आपको सराहना करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज हम जो चैप्टर लेकर आने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, इस वीडियो में बहुत बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।